1991 में नेपाल से न्यू दिल्ली के लिए एक इंडियन प्लेन IC-184 को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिस पर कई फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं और अब तो इस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। हाल ही में विजय वर्मा की कंधार हाईजैक का ट्रेलर आउट हुआ है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। तो आइए बात करते हैं इसके ट्रेलर पे। वेलकम टू बज़ूका रिव्यूज। वल विजय वर्मा फिल्मों के साथ साथ OTTs पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अब एक और नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है IC-184 कंधार हाईजैक, जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में विजय वर्मा ने कैप्टन शरण देव का रोल प्ले किया है। अब ट्रेलर पे बात करें तो इसकी शुरुआत होती है प्लेन IC-184 के सीन के साथ, जिसमें प्लेन के कैप्टन बैठे सभी पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हुए नजर आते हैं कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है और सारे पैसेंजर को शांत करवा के यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इन सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने की। चलिए अब आपको इसके इनसाइट बता देते हैं कि ये कहानी 1991 की है, जब इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को 5 आतंकवादियों ने हथियारों के साथ हाईजैक कर लिया था और सीधा इस प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार में ले गए थे। तो अब देखते हैं सीरीज में कितनी डिटेल में इस सच्ची घटना को बताया जाता है और इसका ट्रेलर काफी मजेदार है। आप सीरीज भी देखिए तो आपको काफी पसंद आएगी। ये सीरीज 29 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखना मत भूलिए।